ऐसा कौन सा जीव है जो अमर है? दोस्तों, अमरता की खोज में हमने सब कुछ देखा। मौत को मात देने की कोशिश में इंसान ने धर्म, ग्रह, क्रायोजेनिक्स और जवान कर देने वाले मिथकीय फव्वारे सेंट अगस्टिन फ्लोरिडा को भी देखा परखा। लेकिन क्या आपको पता है, अमरता का रहस्य समुद्र के अंदर तैर रहा है जेलीफिश के रूप में। जब हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं, तब हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में इसके जीवन के दूसरे चरण मेडुसा स्टेज की छवि बनाते हैं। जीवन के इस चरण में जेलीफिश अपने पुछल्ले टेंटिकल्स के साथ बहने वाले अपारदर्शी गुब्बारे की तरह होते हैं। जेलीफिश में नर और मादा दोनों होते हैं। उनमें शुक्राणु और अंडाणु भी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे दूसरे जीवों की तरह पैदा नहीं होते। वे अपना जीवन लावा के रूप में शुरू करते हैं। लावा छोटे सिगार की तरह होते हैं जो पानी में बहते रहते हैं और चिपकने के लिए किसी चट्टान या किसी आसान चीज की तलाश करते हैं। एक बार जब वे अपने लिए सुदृढ़ जगह ढूंढ लेते हैं, तब उसके लावा पॉलिप में बदल जाते हैं। ये पॉलिप अपना क्लोन खुद बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं। मेडुसा अमर जेलीफिश टूरिटोक्सिस दोहनी टेरोटोक्सिस दोनी जब मर जाती है, तब उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से इसकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होती हैं। वे मेडुसा नहीं बनाती बल्कि पॉलिप बनाती है। इस पॉलिप से नई जेलीफिश निकलती है। इस तरह मेडुसा जेलीफिश पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती है। मौत को मात देने की यह कहानी विज्ञान गल्प जैसी है। यह उस मिथकीय फीनिक्स पक्षी की कहानी जैसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी राख से जिंदा हो जाती है। तस्मानिया की जेलीफिश रिसर्चर और मरीन स्टिंगर एडवाइजरी सर्विस की डायरेक्टर डॉक्टर लिसा एंग गेर्शविन कहती है, यह हम सबके दिमाग को उड़ा देने वाली खोज है। यह हमारे समय की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है।